about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we. What's up guys, मैं हूँ आपका शेफ जसबीर और आप सब लोगों को पता है कि हमने जम्मू का इतना सारा खाना कवर किया है. आई मीन स्ट्रीट फूड से लेके जम्मू की फेमस फेमस जगहों में जाके कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे मैं गया ना हूँ और उसका फूड ट्राई ना किया हो. तो मतलब कुछ ऐसी भी चीजें थी जम्मू की जो मैं ट्राई करना चाहता था, तो उसमें से है राजमा चावल. राजमा चावल जम्मू का एक ऐसा स्टेपल फूड है जो पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत कॉमन घरों में भी बनता है जम्मू के. और जो इसकी रेसिपी है ना, इतनी ज्यादा अमेजिंग है. तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं भी इस रेसिपी को बनाऊं और उस मोमेंट को रिक्रिएट करूं जहां से मैंने ये बहुत ही डिलीशियस वाले राजमा चावल खाए थे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बॉईल करने वाले हैं अपने राइस को. सबसे पहले राइस बॉईल करके ना मैं चाहता हूँ कि मैं इसे साइड में रख दूँ, फिर हम राजमा को तड़का लगाए. ठीक है, तो सबसे पहले राइस बॉईल करते हैं. और ये मैंने पॉट रख दिया है और ये हम ऐड करने वाले हैं हमारे राइस जो कि मैंने एक घंटा सोक किए हुए थे. ये एक कप राइस है जिसमें दो कप पानी है. तो देखिए यार, मैं प्रॉपर ऐसे जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है ना, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि राजमा इसी के साथ ही टेस्टी लगते हैं जो लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं. जम्मू के अंदर जब लोग ना अपने घरों में भी और इवन रेस्टोरेंट में भी राइस बॉईल करते हैं ना, वो उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते. यूजुअली हम देखते हैं हमारे घरों में, जैसे मेरा घर है, मेरे घर में ना सॉल्ट ऐड होता है जब चावल उबलते हैं. बट यहाँ पर ना चावल उबालते टाइम लोग सॉल्ट नहीं ऐड करते, वो ऐसे प्लेन राइस ही खाते हैं किसी भी ग्रेवी के साथ. और राजमा के साथ तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे प्लेन राइस खाने में. मैंने भी फर्स्ट टाइम खाए थे और बड़े अमेजिंग लगे थे. तो बिल्कुल वैसे ही मैं करने वाला हूँ. और इसमें मैं कोई कड़छी वगैरह अभी चलाने नहीं वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्रेन टूट जाए. तो मैं सिर्फ इसे ऐसे शेक करूँगा और रहने दूंगा. तो चावल हमारे उबल रहे हैं और जो राजमा मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ राजमा राइस बनाने के लिए, वो राजमा होंगे भदरवाही राजमा. भदरवाही राजमा जम्मू के अंदर बहुत फेमस है और ये बहुत मतलब A1 क्वालिटी होती है ना, वो सबसे अच्छी वो राजमा की वही होती है. तो हम भी मतलब वही राजमा यूज़ करने वाले. और जम्मू के राजमा में और बाहर वाले राजमा में ना बड़ा डिफरेंस होता है. जो मतलब मैं अपने घर पर खाता हूँ ना राजमा जलंधर में, वो चिथरा राजमा होता है ना, वो मेरे घर पे तो वो यूज़ होता है जो बड़ा बड़ा सा राजमा होता है ना. बट जम्मू के अंदर ना मीडियम साइज़ का राजमा होता है ये, और ये खाने में बहुत डिलीशियस बनता है यार. मतलब एकदम घुल जाता है ये मुँह के अंदर. जो हमारे घर पे राजमा बनता है ना, वो उसको मैश भी नहीं करते, ऐसे खड़ा खड़ा सा होता है. वो स्लो कुकड राजमा बॉयल किए जाते हैं. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि ये लोग ना राजमा को सोक भी नहीं करते. मतलब जैसे डब्बे से निकाला, उसे वॉश किया और बॉयल करने चढ़ा दिया. जैसे सुबह बॉयल हो रहा है वो और दोपहर को वो राजमा बनेगा, ऐसा सिस्टम होता है. तो आप सोच ही सकते होंगे उसका फ्लेवर कितना बढ़िया हो जाता है यार उसकी वजह से. टाइम तो हो गया, 20 मिनट हो चुके हैं. देखते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं. हाँ, ये देखिए चावल एकदम पक चुका है हमारा. और इसे मैं थोड़ा सा दम लगाऊंगा और इसको रखते हैं हम साइड में. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि हमें राजमा जो हमारे बॉयल्ड राजमा थे ना, उसको मैश करना है. तो मैंने ऑलरेडी मतलब राजमा को बॉईल कर लिया था, मैंने सुबह ही चढ़ाए थे. तो भदरवाही राजमा ना कुछ ऐसे दिखते हैं. और ये मैंने ना ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे राजमा, पानी सेपरेट करके रखा हुआ है जो कि हम तड़के के बाद ऐड करेंगे. थोड़े से राजमा हम ना एक सेपरेट बाउल में लेंगे और इसको हम स्पून के पिछले हिस्से से ऐसे मैश करेंगे. अब आ रही है राजमा को तड़का लगाने की. तो ये रही मेरी कढ़ाई और इसमें मैं लगाऊंगा तड़का. इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं. इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल. और ये सरसों का तेल हमने डाल दिया है. सरसों का तेल ये कच्ची घनी सरसों का तेल है और जो डोगरी फूड बनता है ना वो इसी तेल में बनता है. और हम भी सेम तेल यूज़ करेंगे, कच्ची घनी सरसों तेल. और इस रेसिपी की स्पेशल बात ये भी है कि मैं इसे बिना गार्लिक और बिना अनियन के बना रहा हूँ. जो डोगरी फूड होता है ना, जो ऑथेंटिक डोगरी फूड जिसमें राजमा ऐसे वाले बनते, उसमें बिना लहसुन के और बिना प्याज की सब्जियां बनती है. तो ये जो राजमा है ना बगर वाले, वो भी ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि जो ऑथेंटिक फ्लेवर निकल के आता है वो राजमे का होता है, बॉईल किए हुए राजमे का, जिसे हम स्लो कुक करके बनाते हैं. स्पाइस में मेरे पास है हींग और जीरा जो कि ना राजमा की बाय को ख़त्म करेगा. जिंजर गार्लिक का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो मैं सिर्फ जीरा और हींग डालूंगा ताकि थोड़ी सी बाय कम हो जाए इसकी. इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, थोड़ी सी हल्दी, टमाटो प्यूरे फ्रेश वाली जो थी मैंने ऐड कर दी है. अभी इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए. और सबसे अच्छा इंडिकेशन पता क्या है स्पाइसेस पक गए वो चेक करने का, स्पाइसेस ना तेल छोड़ने लगते हैं साइडों पे. तो जब तक ये तेल नहीं छोड़ दे तब तक हम इसे पकाएंगे. और मैं इसे ढक के पकाऊंगा क्योंकि छींटे आते हैं ना ऊपर, इसलिए. और इसमें हम ऐड करने वाले हैं राजमा.
इसको करेंगे मिक्स हम अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से। के साथ में हम ऐड करेंगे ये राजमा का पानी। अब आ रही है राजमा में सॉल्ट ऐड करने की। साथ में ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और इसको कर लेंगे मिक्स। राजमा हमने ढक के रख दिए हैं, पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो राजमा को हमें धीरे धीरे पकने देना है मसालों के अंदर, ताकि वो सारे स्पाइसेस हमारे टमाटो प्यूरे सब एब्जॉर्ब करके एक बढ़िया सी गाढ़ी सी ग्रेवी में बन जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसका यही है कि आपको मतलब बड़ा पेशेंस रखना है और इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट तक स्लो आंच पे पकाते रहना है। अभी आधा घंटा हो चुका है और राजमा पक रहे हैं, तो मैं इस प्रोसेस को स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे पनीर भी फ्राई करना है। तो ये मैंने पैन रखा अभी और मैं पनीर फ्राई करूँगा घी में, देसी घी में। पनीर डालते हैं। जब पनीर फ्राई करें ना प्लीज़ यार थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि पनीर में ना पानी होता है ना, उसकी वजह से छींटे आते हैं। तो ये अभी भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा केयरफुल होकर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको रखेंगे इधर, इसको रखेंगे इधर, इसमें डालेंगे पनीर। अब आ रही है एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने की, जो कि है देसी घी। हम ऐड करने वाले देसी घी अराउंड हाफ कप के अराउंड। मैंने इधर देसी घी ऐड कर दिया है। तो हमारे राजमा तैयार हो चुके हैं और फटाफट से इसे प्लेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। मीनवाइल मैं थोड़ा सा घी गरम करूंगा। तो हमारे बगर वाले राजमा चावल तो एकदम तैयार हो चुके हैं। मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल उसे ऑथेंटिक वे में बनाऊं, सेम स्पाइसेस यूज करके, और लग तो बिल्कुल वैसे रहे। और टेस्ट किया है मोहित वानी और मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टेस्ट किया है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको, या सच में वो वैसी टेस्ट कर रही थी कि नहीं। ये मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जम्मू वाले लोगों के लिए। प्लीज़ आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए। एंड चीयर्स गाइस।